हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुनाएंगे कविता जो कि रसखान जी द्वारा रचित है के तीसरे सवैये का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो गोपी है वह श्री कृष्ण का पूरा सवांग करने को तैयार है। सवांग अर्थात कि वह भी श्री कृष्ण की तरह मोर पंखा, गुंजों की माला, पीतांबर और हाथ में लाठी और कंधे पर कंबल लेकर उसी की तरह अपने आप को दिखाना चाहती है। तो मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, मोर पंखा अर्थात मोर पंख, सिर अर्थात सिर ऊपर राखियो। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वह अपने सिर पर मोर का पंख लगा लेगी। क्या कहती है? मोर पंखा सिर ऊपर राखियो कि वह अपने सिर पर मोर पंख को लगा लेगी। गुंज की माल गरे पहरेगी, गुंज अर्थात रति, रतियों की माला होती है। गुंज की माल, रतियों की माला, गरे अर्थात गले पहरोगी और गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतंबर, ओढ़ी ओढ़कर पीतंबर, पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। ले लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी, बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी कि गायों तथा ग्वालों के साथ फिरूंगी। फिरूंगी मतलब फिरना, कि गोपी कहती है कि वह पीतांबर ओढ़ कर, पीतांबर ओढ़ लेगी श्री कृष्ण जी की तरह और हाथ में लकड़ी लेकर गायों और ग्वालों के साथ फिर लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो इसमें जो गोपी है कहती है कि भाव तो भाना या अच्छा लगना, वो ही मेरो रसखानी, कि जो कवि हैं रसखान जी कहते हैं कि जो भी श्री कृष्ण जी को अच्छा लगता है, जो भी श्री कृष्ण जी को अच्छा लगता है, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी कि वह वैसे ही स्वांग करने को तैयार है, अर्थात वैसा ही रूप धरने को तैयार है। या मुरली मुरली धर की अधरान भरी, अधरा न धरूंगी। लेकिन जो गोपी है कहती है कि वो श्री कृष्ण जी का के जैसा रूप धारण करने को तैयार है, लेकिन या मुरली, मुरली अर्थात बांसुरी, मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण जी की जो मुरली है, कि अधरान धरी अधरा न धरूंगी, कि उनको कभी भी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्योंकि उसको उससे चिढ़ है। किससे? मुरली से। गोपियाँ मुरली से चिढ़ती हैं और क्योंकि वो जो मुरली है वो हमेशा श्री कृष्ण जी के अधरों पर रहती है, होठों पर रहती है, इसलिए गोपी कहती है कि वह सभी रूप धारण करने को तैयार है, लेकिन वह श्री कृष्ण जी द्वारा जो मुरली अपने होठों से लगाए रखते हैं उसको धारण नहीं करूंगी। वह उसे अपनी सोत मानकर उससे ईर्ष्या करती हैं, अतः उसे वह अपने होठों से नहीं लगा सकती। तो इस अगर हम बात करें, ब्रज भाषा का प्रयोग है इस सवैये में, और या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरूंगी में अलंकार अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो अब इसी के हम दूसरे चौथे सवैये की ओर बढ़ते हैं, जिसमें काननी, काननी मतलब कान, दे अंगुरी रहीबो, कि इस जो समये में जो गोपियां हैं श्री कृष्ण जी, गोपियां हैं जो श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान को कभी छोड़ नहीं सकती या ना उसे भुला नहीं सकती, क्योंकि गोपियां क्या हैं उस मुस्कान के आगे विवश हो जाती हैं। तो काननी दे आंगुरी, काननी मतलब समझ गए कान होते हैं, आंगुरी उंगली होती है, राहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मुरली अर्थात बांसुरी धुनी
जो उसकी धुन है मंद धीमे धीमे। तो गोपियाँ कहती हैं, अपनी उस स्थिति का वर्णन कर रही हैं कि जब श्री कृष्ण जी मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाते हैं, तब गोपियाँ क्या करती हैं, अपने कानों में उंगली डाल देती हैं। अब क्यों डालती हैं, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, क्योंकि मुरली की धुन से मोहिनी तान जो मन को मंत्र मुग्ध कर देती है, कि जो मोहिनी तान है सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, कि जो मुरली की धुन है उन्हें विवश कर देती है, कि उन्हें घर से ऊपर अटारी पर चढ़ने को विवश कर देती है, कि मोहिनी तान सो रस खाने की जो मोहिनी तान है वो उनको इतना मंत्र मुग्ध कर देती है, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, कि जो उन्हें अपने घर की छत पर या अटारी पर चढ़ने को विवश कर देती है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगानी काल ही कहूँ कितनो समझू है, तो तेरी पुकार कर हम कह सकते हैं, बुलाना भी कह सकते हैं, सिगरे सारे और ब्रज लोगानी ब्रज के जो लोग होते हैं, तो दुष्कान जी कह रहे हैं कि सारे ब्रजवासियों को, ब्रज लोगानी अर्थात ब्रजवासी तेरी को पुकार कर बुला कर के हम कह सकते हैं, और सिगरे मतलब सारे, कि सारे ब्रजवासियों को पुकार कर भले ही कितना भी कहो, भला कितना भी समझे या समझाने का प्रयास करें, माई रीवा मुख की मुस्कानी, लेकिन गोपी अपनी दूसरी से कहती है कि माई री, लेकिन जो श्री कृष्ण जी के मुख की जो मुस्कान है, सम्हारी ना जहे ना जहे नहीं ना जहे, कि वो इतनी सुहावनी है, इतनी मन लुभावनी है, कि अगर उसे हम संभालना भी चाहें तो संभाल नहीं पा रही हैं। तो सभी बच्चे इन दोनों पहरों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, और अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।